नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कृषि के माध्यम से हमारे किसान अपना जीविकोपार्जन करने के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था में भी सहयोग करते हैं। इसी दिशा में हम पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए कुशीनगर में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करने जा रही है। इसके लिए धनराशि स्वीकृति हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार कृषि को उत्तम रोजगार का साधन बना रही है, इसके माध्यम से पलायन कर रहे हम फिर से खेती से जोड़ रहे हैं। सीएम योगी ने मंगलवार को महायोगी कृषि विज्ञान केंद्र में विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार की मंशा है कि प्रदेश के किसानों को कृषि संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एक ही केंद्र में प्राप्त हो। इस दिशा में कृषि विज्ञान केंद्र बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में देश की बागडोर संभालते ही सबसे पहला कार्य किसानों के लिए किया। इसके लिए उन्होंने देश के किसानों को फ्री में सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था उपलब्ध कराई है। सीएम योगी ने कहा कि आज देश के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और लागत का 1.5 गुना दाम हर किसान को मिल रहा है। साथ ही 2,62,00,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से सालाना 6,000 रुपये देकर उन्हें संबल प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने एक तरफ जहां खेती को किसानों के जीवन के परिवर्तन का माध्यम बनाया है, वहीं दूसरी तरफ फूड प्रोसेसिंग के जरिए युवाओं को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करा रही। सीएम योगी ने कहा कि भारतीय मनीषा ने प्राचीन काल से इस बात को स्वीकारा है कि उत्तम स्वास्थ्य हमेशा समृद्धि के माध्यम बनता है। इस दिशा में कार्य करते हुए हमारी सरकार प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। इससे किसानों को केमिकल फर्टिलाइजर और पैप्टिसाइड से मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा उनके धन की बचत होने के साथ ही बीमारियों से बचाव भी होगा। कार्यक्रम में सीएम योगी ने एक दिवसीय किसान मेला व कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन करके उसका अवलोकन किया। साथ ही उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और किट वितरित किया। इसके अलावा सीएम योगी महायोगी गोरखनाथ कृषि दर्पण, मिलेट्स और आचार्य नरेंद्र देव कृषि पत्रिका का विमोचन किया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ल, विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र सिंह, विधायक फतेह बहादुर सिंह, विधायक विपिन सिंह, विधायक प्रदीप शुक्ल, जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह और क्षेत्र के अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।